मॉर्निंग, दिस इज ममता वर्मा। सो लास्ट क्लास में हमने जो विलियम भी चले हैं उसके जितने भी प्ले थे उनको डिटेल में किया था। नाउ नेक्स्ट जो ड्रामेटिस्ट है हु बिलोंग टू द रेस्टोरेशन इज जॉर्ज इथरेज। सो जॉर्ज इथरेज है उसको करते हम। जॉर्ज इथरेज है, इसका टाइम पीरियड है 1632 टू 1692। ओके, सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट ऑफ द रेस्टोरेशन एज। सो इसकी जो प्लेज है एक दो जिनकी सिर्फ हमें टाइटल याद रखने हैं, एंड एक प्ले है इसका कॉमेडी मेनली जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, सो फर्स्ट जो इसका प्ले है मतलब कॉमेडी है द कॉमिकल रिवेंज। जिसका सबटाइटल है लव इन ए टब। ओके, सो इट वाज पब्लिश्ड इन 1664 में पब्लिश हुई थी। ये कॉमेडी है। ओके, एंड नो नीड टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस कॉमेडी। इस प्ले में आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर द टाइटल एंड सबटाइटल ऑफ दिस प्ले। सिर्फ टाइटल और सबटाइटल याद रखना है आपको। ओके, कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया बट टाइटल बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका प्ले है दैट इज सी वुड इफ सी कुड। ओके, जिस ये भी एक कॉमेडी है जो 1668 में पब्लिश हुई थी एंड ऑल्सो एक कॉमेडी। ओके, सो यहाँ एक दो कैरेक्टर है जो सिर्फ कैरेक्टर ध्यान रखना है। जैसे कई बार होता है कोई प्ले की स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसको कई बार पूछ लेते हैं मैच द फॉलोइंग में। तो ऐसे ही ये प्ले है। इसमें है लेडी कॉकवुड एंड सर ओलिवर कॉकवुड, दोनों हस्बैंड वाइफ है। ओके, सो ये मेन यू नो कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। सो स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, नो नीड टू यू नो रीड दिस स्टोरी। सिर्फ कॉकवुड क्योंकि ये टाइटल थोड़ा ऐसा है इस नाम का कि आपको एक दो बार देखोगे तो ध्यान में रह जाएगा कि ये कैरेक्टर है वो कौन से प्ले से है। ठीक है, तो लेडी कॉकवुड है वो इस स्टोरी में अपने हस्बैंड को चीट करती है। ठीक है, सो नो नीड टू, मैंने बोला स्टोरी को पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैरेक्टर ध्यान में रखो। नेक्स्ट जो इसका जो प्ले है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो मैं इसको रब करती हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जो प्ले है उसके कैरेक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको क्या करके वीडियो को पॉज करके, अगर नोट्स बना रहे हो तो पॉज करके बनाओ। ठीक है, प्ले है द मैन ऑफ मोड जिसका सब टाइटल है द फ्लोपिंग फ्लैटर फॉफलिंग फ्लैटर। सर फॉफलिंग फ्लैटर है ये। ठीक है, सर फॉफलिंग फ्लैटर जो पब्लिश हुआ था 1676 में। सो ये सबसे पहले कॉमेडी है। ओके, सो द मैन ऑफ मोड जिसका सबटाइटल है सर फॉफलिंग फ्लैटर एंड द फॉफलिंग फ्लैटर। ठीक है, सो ये इसका सबटाइटल है जो एक बार एग्जाम में पूछा गया था द मैन ऑफ मोड का सबटाइटल। ठीक है, तो यहाँ ये स्टोरी है, इसमें दो चार मतलब कैरेक्टर है और स्टोरी ज्यादा लेंथी नहीं है। ठीक है, तो मेन जो कैरेक्टर है यहाँ हिज इज मिस्टर डोरीमेंट इज वुमेनाइजर और मेन प्रोटैगनिस्ट है
womanizer or protagonist of the story. Protagonist, okay, womanizer है, he is the protagonist, okay. Second है Mrs. Lovett, she is the beloved of Dorriman. Beloved of Dorriman, ये Dorriman की beloved है, okay. And second है Miss Harriet. Dorriman की beloved है. And Belinda is also the beloved of Dorriman. And last है Sir Fopling Flatter. Last है Sir Fopling Flatter. So he is the suitor of Lady Lovett है, इसका सूटर है ये, ठीक है. तो यही मेन कैरेक्टर है इसमें, इस प्ले में. तो अब इसमें स्टोरी क्या होती है, जिसके नाम से ये सब टाइटल है, ये प्ले है जिसका सब टाइटल सर फॉपलिंग फ्लैटर, ही इज द शूटर ऑफ मिसिज ये लविट है मतलब ये इस प्ले में Dorriman है, इसकी वो है मिस्ट्रेस, मतलब मालकिन है वो, ठीक है, नॉट हिज वाइफ है, इसकी मालकिन है जिससे वो प्यार करता है अभी Dorriman, ठीक है. तो स्टोरी कहाँ से होती है, स्टोरी होती है कि Dorriman है इन द प्ले, व्हेन द प्ले इज ओपन, सो Dorriman है, ही लव्स टू मिसेस लविट, ही लव्स टू मिसेस लविट, बट यू नो एट द ओपनिंग ऑफ द प्ले ही लव्स टू मिसेस लविट एंड लेटर ही टेल्स हिज फ्रेंड दैट नाउ ही इज यू नो फिड अप मिसेस लविट, मिसेस लविट से वो काफी बोर हो चुका है एंड नाउ ही स्टार्टेड टू लाइक Belinda, ओके. Belinda को ऑलरेडी वो लाइक करता है एंड Belinda आल्सो लाइक हिम, सो वो Belinda को इतना लाइक नहीं करता जितनी कि Belinda उसको करती है, ठीक है. नाउ ही स्टार्टेड टू लाइक मिस Harriet और उसने वो अपने फ्रेंड को बताता है कि वो मिसेज जो लविट है उससे काफी मतलब बोर हो चुका है. नाउ ही स्टार्टेड टू लव, ही स्टार्टेड टू लाइक मिस Harriet को उसने स्टार्ट कर दिया लाइक, अब उससे प्यार करता है वो. एंड मिस Harriet है, सी इज द ओनली मतलब ओनली गर्ल्स एंड हियर्स इज अलोन इंडिपेंडेंट लड़की है जो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है. तो वो अपने दोस्त को बताता है कि नाउ ही स्टार्टेड टू लव मिस Harriet. सो वेन मिसेज लविट को ये पता चलता है, मिसेज लविट को दैट Dorriman हैज नो इंटरेस्ट इन हिम इन हर, तो Dorriman को अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, देन शी स्टार्ट टू फील जेलस, ओके. एंड अब वो क्या करती है, ही स्टार्ट टू यू नो मेक ए रिलेशन, ही प्रिटेंड्स टू मेक ए रिलेशन सर Fopling Flatter, वो Fopling Flatter से जस्ट एज ए प्रिटेंड टू मेक जेलस ऑफ Dorriman, Dorriman को जलाने के लिए वो सर Fopling Flatter के साथ रिलेशन में होने का बहाना करती है, ताकि Dorriman को, वो चाहती है कि Dorriman को इससे कुछ फर्क पड़े, Dorriman जेलस हो, बट Dorriman है ही डज नॉट यू नो इफेक्टेड विद द रिलेशन ऑफ सर Fopling Flatter. अब सर Fopling Flatter है, ये बाहर से आया हुआ एक पर्सन है एंड ही इज ऑल्सो रिच है काफी, एंड फोक का मतलब होता है ही इज वेरी अवेयर अबाउट हिज आउटर अपीयरेंस, मतलब ही इज ए फैशनेबल मैन, अपने कपड़ों को लेकर अपने आउटर अपीयरेंस को लेकर काफी अवेयर रहता है वो, ठीक है. एंड ही इज फॉलो ऑल द मैनर्ड, ही इज लाइक वेरी आर्टिफिशियल पर्सन है, काफी बनने की कोशिश करता है, शो ऑफ करता है काफी, ठीक है. तो ऐसा बंदा है जिसको लविट है, वो प्रिटेंड्स करती है कि नाउ ही स्टार्टेड टू यू नो लव Fopling Flatter ओनली टू मेक जेलस Dorriman. तो Dorriman को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ लास्ट इन द लास्ट ऑफ द प्ले मिसेज Harriet है,
he gave a party, and this party all came, and he announced publicly that now he loves to Mr. Dorimond, and he want to marry with him, and he also says to Mrs. Lovett and Belinda to stay away from डोरीमोन. और वो पब्लिकली अनाउंस करती है कि वो डोरीमोन के साथ है, उससे प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है. और वो पब्लिकली उसी पार्टी में अनाउंस करती है, मतलब मिसेज लविट और बेलिंडा दोनों जो उसकी बिलव्ड है उनको पब्लिकली एडवाइस करती है कि प्लीज प्लीज स्टे अवे फ्रॉम माई लवर, मतलब डोरीमोन से दूर रहे. ठीक है, तो यहीं पे जो प्ले है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. बस इतनी सी स्टोरी है इसकी, ज्यादा नहीं है. बट ये जो करेक्टर है वो इम्पोर्टेंट है. एग्जाम में अब क्वेश्चन कैसे आया है, हु इज मिस्टर फ्लॉफी फ्लैटर. सो सर फ्लॉफी फ्लैटर है, जस्ट वन सर फ्लॉफी फ्लैटर है, ही इज द सूटर ऑफ लविट और काफी